नमस्कार। मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट सीरीज की यह पार्ट 4 वीडियो है। इसमें विभिन्न स्कॉलरशिप परीक्षाओं में आए प्रश्नों को हमने रखा है। निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए शब्दों या नामों में से असंगत या विजातीय शब्द को चुनिए, अर्थात इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इन 4 में 3 किसी न किसी कारण से एक जैसे हैं और वह जो चौथा ऑप्शन है जो इन तीनों से मेल नहीं खाता है उसे ही हमें चुनना है। तो पहला प्रश्न है, नॉर्वे, अमेरिका, बिहार, भारत। तो यहां हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं नॉर्वे, अमेरिका और भारत ये देश के नाम है, लेकिन बिहार एक राज्य है। अतः यह जो तीसरा ऑप्शन है बिहार, वे बाकी तीनों ऑप्शन से मेल नहीं खाते हैं। तो हमारा आंसर होगा यहां ऑप्शन 3, बिहार। प्रश्न संख्या 2, बॉक्साइट, पेट्रोलियम, कोल यानी कोयला और स्टील। तो यहां हम देख रहे हैं कि बॉक्साइट, पेट्रोलियम, कोल ये खनिज हैं और ये जमीन के नीचे से निकाले जाते हैं, किंतु स्टील ये मानव निर्मित है, इसे बनाया जाता है। इसलिए यहां हमारा ऑप्शन होगा चौथा, स्टील। प्रश्न संख्या 3, लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार और दिल्ली। बिल्कुल स्पष्ट है, यहां लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार ये मॉन्यूमेंट्स हैं और दिल्ली तो एक शहर है। तो यहां हमारा आंसर हो जाएगा दिल्ली। प्रश्न संख्या 4, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, भागलपुर। तो यहां जमशेदपुर, धनबाद और बोकारो ये झारखंड के जिले हैं, लेकिन भागलपुर बिहार का जिला है। तो हमारा आंसर हो जाएगा भागलपुर। प्रश्न संख्या 5, इंडिया, पाकिस्तान, एशिया और नेपाल। तो इसमें 3, इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल ये देश हैं, लेकिन एशिया महादेश है। तो हमारा आंसर क्या होगा, एशिया। प्रश्न संख्या 6, टीचर, स्टूडेंट, लेक्चरर, प्रोफेसर, अर्थात शिक्षक, विद्यार्थी, व्याख्याता, प्रोफेसर। तो हम जानते हैं शिक्षक स्कूल में पढ़ाते हैं, लेक्चरर और प्रोफेसर कॉलेजों में पढ़ाते हैं, लेकिन स्टूडेंट पढ़ाते नहीं है बल्कि पढ़ते हैं। तो हमारा आंसर होगा स्पष्ट रूप से ऑप्शन 2 यानी विद्यार्थी। प्रश्न संख्या 7, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, लिएंडर पेस और वीरेंद्र सहवाग। तो ये तो आप सभी जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली और वीरेंद्र सहवाग क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन लिएंडर पेस क्रिकेट नहीं खेलते हैं। इसलिए हमारा आंसर होगा ऑप्शन 3, लिएंडर पेस। प्रश्न संख्या 8, कॉलीफ्लावर यानी फूलगोभी, लेडीज फिंगर अर्थात भिंडी, ब्रिंजल अर्थात बैगन और पोटैटो अर्थात आलू। तो यहां फूलगोभी, भिंडी, बैगन ये जमीन के ऊपर उगते हैं, लेकिन आलू जमीन के नीचे होता है। तो यहां बेमेल कौन सा है, आलू। प्रश्न संख्या 9, रामायण, वाल्मीकि, बाइबल, कुरान। तो इसमें 3 धर्म ग्रंथों के नाम है, लेकिन ऑप्शन 2 वाल्मीकि
ये धर्म ग्रंथ का नहीं बल्कि ये धर्म ग्रंथ रामायण के लेखक का नाम है, इसलिए हमारा ऑप्शन होगा हमारा आंसर होगा ऑप्शन टू वाल्मीकि। क्वेश्चन नंबर 10, पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर, यमुना, मेडिटेरेनियन सी भूमध्य सागर, एटलांटिक ओशन। तो यहां हम देख रहे हैं ये तीन सागर हैं लेकिन यमुना एक नदी है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन टू यमुना। प्रश्न संख्या 11, पटना, रांची, वाराणसी, लखनऊ। तो पटना बिहार की राजधानी है, रांची झारखंड की राजधानी है, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, लेकिन वाराणसी कहीं की राजधानी नहीं है, तो यहां बेमेल हो गया वाराणसी। क्वेश्चन नंबर 12, कुत्ता, बिल्ली, बाघ और मोर। तो कुत्ता, बिल्ली, बाघ ये तो जानवर हैं, जबकि मोर एक पक्षी है, तो हमारा आंसर होगा 4 मोर। क्वेश्चन नंबर 13, लोहा, चांदी, तांबा और ग्रेफाइट। तो हमने विज्ञान में पढ़ा है लोहा, चांदी, तांबा ये धातु है, जबकि ग्रेफाइट अधातु है, तो हमारा आंसर होगा ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 14, टेनिस, क्रिकेट, बॉल, हॉकी। इसमें तीन खेलों के नाम है किंतु गेंद कोई खेल का नाम नहीं है, ये खेलने की वस्तु है, तो हमारा आंसर होगा गेंद। क्वेश्चन नंबर 15, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, हिमालय। इसमें तीन नदियों के नाम है जबकि हिमालय एक पर्वत है, तो हमारा ऑप्शन आंसर हो गया ये ऑप्शन 4 हिमालय। क्वेश्चन नंबर 16, कमल, गुलाब, गेंदा और आम। इसमें तीन फूल हैं जबकि आम एक फल है, तो हमारा आंसर है आम। क्वेश्चन नंबर 17, अर्जुन, कर्ण, दुर्योधन, लक्ष्मण। तो अर्जुन, कर्ण और दुर्योधन ये महाभारत काल के लोग हैं जबकि लक्ष्मण रामायण काल के, तो हमारा आंसर कौन सा होगा लक्ष्मण। क्वेश्चन नंबर 18, आम, अमरूद, केला और किशमिश। तो आम, अमरूद, केला ये क्या है, ये फल हैं जबकि किशमिश एक ड्राई फ्रूट है, तो हमारा आंसर हो जाएगा किशमिश। क्वेश्चन नंबर 19, केला, सेब, आलू, पपीता। यहां भी हम देख रहे हैं तीन फल हैं जबकि एक सब्जी की कैटेगरी में आता है, तो हमारा आंसर होगा आलू। अब अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 20, पृथ्वी, चांद, मंगल, बृहस्पति। पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति ये ग्रह हैं जबकि चांद एक उपग्रह है, तो यहां ऑप्शन 2 सही है यानी चांद।